हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि होममेड फर्मेंटर्स पे एयरलॉक कैसे फिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रबर ग्रोमेट एंड सिलिकॉन बंग। ये एस टाइप एयरलॉक है। इसका मेन पर्पस है फर्मेंटर को एयर टाइट करना टू फैसिलिटेट एनएरोबिक फर्मेंटेशन। एयरलॉक के नीचे रबर की ग्रोमेट लगती है, इसे आधा पानी से भरते हैं वाटर बैरियर क्रिएट करने के लिए। इसी तरह से थ्री पीस एयरलॉक भी फंक्शन करता है। इस थ्री पीस एयरलॉक के नीचे 17.5 mm से 22.5 mm साइज़ की सिलिकॉन बंग लगाई गई है, जो कि 330 ml टू 750 ml की बियर बॉटल्स में आसानी से फिट हो जाती है। एस टाइप एयरलॉक में थोड़ी बड़ी यानी कि 25 टू 38 mm साइज़ की बंग अटैच की हुई है फॉर बिगर माउथ बॉटल्स, जैसे कि ये वाली। होम ब्रूइंग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप 1 लीटर जितनी छोटी क्वांटिटी भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वाइन मेकिंग में वाइड माउथ जार्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हाथ आराम से अंदर जा सके। इससे फ्रूट के पल्प और सीड्स को रिमूव करना और क्लीनिंग बेहद आसान हो जाता है। ये बॉटल मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। इसके प्लास्टिक के लिड पर हमें एयरलॉक अटैच करने के लिए छेद करना है। एक तरीका है कि कील को गैस पर गर्म करके छेद किया जाए। सोल्डरिंग आयरन और ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम पहला मेथड ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दिस इज हाउ अ ग्रोमेट लुक। इसमें ये रिज है और ऊपर एक होल है। इस होल के थ्रू एयरलॉक फिट हो जाता है और इस रिज से ग्रोमेट को आधा ढक्कन के ऊपर और आधा ढक्कन के नीचे प्लेस करना होता है। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो 1.5 सेंटीमीटर सर्कल पहले से ही मार्क कर लें। इस कील को प्लायर की मदद से पकड़ें और अब हम इसे स्टफ पे गरम करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स। और अब हम इस कील को सेंटर में या अपने मार्क पे पियर्स करेंगे। इस प्रक्रिया में बार बार कील को गर्म करके गोलाई में कील को घुमाना होता है। ध्यान रहे कि इसे करने में जो धुआं निकलता है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इस तरह से छेद बनाने में एजेस मोटे हो जाते हैं, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका छेद गोलाई में नहीं भी आ पाया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि रबर की ग्रोमेट होने की वजह से ये ओपनिंग एयरटाइट हो जाएगी। इसे इस तरह से गोलाई में घुमाते हैं। इसके बाद एक पॉइंटेड धार वाला चाकू लेके उसे गोल गोल घुमाएं, जिससे छेद स्मूथ हो जाए। इसे हमें ढक्कन के दोनों तरफ करना होता है। अब एक बार चेक करना है कि एयरलॉक इस सर्कल से फ्रीली पास हो रहा है। अब ग्रोमेट को स्क्वीज करके ढक्कन के ऊपर फिट करना है। इस ग्रोमेट पे अब एयरलॉक एकदम फर्मली फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। अब हम टेस्ट करेंगे कि हमारी सील एयरटाइट है या नहीं। एयरलॉक को आधा पानी से भरना है और फर्मेंटर पे स्क्रू करना है। अब इसके ढक्कन को प्रेस करेंगे तो वाटर लेवल बदलता हुआ नज़र आएगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हवा के पास कोई और रास्ता नहीं है निकलने के लिए। अब ढक्कन को थोड़ा सा खोलेंगे और फिर वही प्रक्रिया करेंगे तो पानी का लेवल चेंज नहीं होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि फर्मेंटर में कोई लीकेज है या नहीं।
जो कि फर्मेंटेशन की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर ढक्कन के साइड से एयर लीक हो रही है तो किसी भी फूड ग्रेड मटेरियल या फूड ग्रेड प्लास्टिक से पैकिंग प्रोवाइड की जा सकती है। आपके सवालों के लिए हमें लिखें brew@aristham.com पे। होम ब्रूइंग से रिलेटेड सामान खरीदने के लिए साइन इन करें www.aristham.com पे। हैप्पी एंड सेफ ब्रूइंग।